डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का मैथ चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम एंड फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 16 में नंबर्स दिया हुआ है 4,44,000 444। नेक्स्ट नंबर है 44,444। नेक्स्ट नंबर दिया है 4,444। नेक्स्ट नंबर है 444। क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे। 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000। अब दिए हुए नंबर्स को हम लिखेंगे 4,44,444। नेक्स्ट नंबर है 44,444। नेक्स्ट नंबर है 4,444। नेक्स्ट नंबर है 444। अब दिए हुए नंबर्स को हम प्लस करेंगे। सबसे पहले प्लस करने के लिए हमें 1 के कॉलम से स्टार्ट करना होता है, तो 1 के कॉलम को सबसे पहले प्लस करेंगे हम। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, 1 हमारा कैरी बचा हुआ है। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 1 कैरी हमारा बचा, उसे भी प्लस करेंगे। 16 प्लस 1 17, यहाँ पे लिखेंगे 7, 1 हमारा कैरी बचा हुआ है। बचा हुआ कैरी हमें 100 के कॉलम में प्लस करना है। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 1 हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे प्लस करेंगे। 16 प्लस 1 17, तो यहाँ लिखेंगे हम 7, 1 हमारा कैरी बचा हुआ है। अब 1,000 के कॉलम को हम प्लस करेंगे, बचे हुए कैरी को 1,000 के कॉलम में ऐड करेंगे हम। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 1 हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे प्लस करेंगे। 13, यहाँ पर लिखेंगे हम 3, 1 कैरी बचा, उसे हम 10,000 के कॉलम में प्लस करेंगे। 4 प्लस 4 8, 1 कैरी बचा हुआ है, उसे प्लस करेंगे। 9, और लाख के कॉलम में बस 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर होगा 4,93,776। यही क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 है 2,68,479। नेक्स्ट नंबर दिया है 1,53,107। नेक्स्ट नंबर दिया है 96,268। नेक्स्ट नंबर दिया है 8,936। क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम वाइज में लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम बनाना है, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख। दिए हुए नंबर्स को हमें लिखना है, 2 लाख, 68,000, 479। नेक्स्ट नंबर दिया है, 1 लाख, 53,000, 107। नेक्स्ट नंबर दिया है, 96,000, 268। नेक्स्ट नंबर दिया है, 8,000, 936। अब दिए हुए नंबर्स को हमें प्लस करना है। प्लस करने के लिए सबसे पहले हम 1 के कॉलम से स्टार्ट करते हैं प्लस करना। 9 प्लस 7, 16, 16 प्लस 8, 24, 24 प्लस 6, 30, यहाँ आप लिखेंगे 0, 3 हमारा कैरी बचा है, उसे हम 10 के कॉलम में प्लस करेंगे, 7 प्लस 3 कैरी, 10, 10 प्लस 6, 16, 16 प्लस 3, 19, यहाँ आप लिखेंगे 9, 1 हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे हम 100 के कॉलम में प्लस करेंगे, 4 प्लस 1 कैरी, 5, 5 प्लस 1, 6, 6 प्लस 2, 8, 8 प्लस 9, 17, यहाँ आप लिखेंगे हम 7, 1 हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे हम 1000 के कॉलम में प्लस करेंगे, 8 प्लस 1 कैरी, 9, 9 प्लस 3, 12, 12 प्लस 6, 18, 18 प्लस 8, 26, यहाँ आप लिखेंगे 6, 2 हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे हम 10,000 कॉलम में प्लस करेंगे, 6 प्लस 2 कैरी, 8, 8 प्लस 5, 13, 13 प्लस 9, 22, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 2 हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे लॉक के कॉलम में प्लस करेंगे, 2 प्लस 2 कैरी, 4 प्लस 1, 5, यहाँ पे लिखेंगे हम 5। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर होगा 5,26,790, यही क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का नंबर्स दिया हुआ है 18,998। नेक्स्ट नंबर दिया है 29,999। नेक्स्ट नंबर है 1,99,988। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 3,88,899। क्वेश्चन नंबर 18 को हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉलम वाइज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000। क्वेश्चन नंबर 18 में नंबर्स दिया हुआ है 18,998। नेक्स्ट नंबर है 29,998।
99। नेक्स्ट नंबर है 1,99,988। नेक्स्ट नंबर है 388,899। दिए हुए नंबर्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के लिए सबसे पहले हमें वन के कॉलम से स्टार्ट करना होता है प्लस करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम अब प्लस करेंगे, वन के कॉलम से स्टार्ट करते हैं। 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 9 34। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। 3 हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे हम 10 के कॉलम में प्लस करेंगे। 9 प्लस 3 कैरी 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 8 29, 29 प्लस 9 38। यहाँ पे लिखेंगे हम 8। 3 हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे हम 100 के कॉलम में प्लस करेंगे। 9 प्लस 3 कैरी 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 8 38। यहाँ पे लिखेंगे हम 8। 3 हमारा कैरी बचा हुआ है, 1000 के कॉलम में उसे प्लस करेंगे। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 8 37। यहाँ पे हम लिखेंगे 7। 3 हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे हम 10,000 कॉलम में प्लस करेंगे। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 8 23। यहाँ पे लिखेंगे हम 3। 2 हमारा कैरी बचा हुआ है, उसे हम लाख के कॉलम में प्लस करेंगे। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा हमारा 6,37,884। यही क्या है हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया उसमें से आपको जो भी क्वेश्चन न समझ में आया हो आप उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं।